हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज मैं गाइडेंस लूँगी, तो सोल जर्नी से मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं और मोनोलॉजी से मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं, देखने के लिए कि आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है इस वक्त, आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या बता रही है। तो मोनोलॉजी से हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सेकंड कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। थर्ड है सरेंडर टू डिवाइन। और फोर्थ है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों के इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं। हो सकता है रह रहे के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हों, रह रहे के बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा भी आ रहा हो, रह रहे के ऐसा लग रहा हो जैसे कोई मिल जाए और आप पकड़ के उसे धो दें। तो इतनी ज़्यादा गुस्सा, इतनी ज़्यादा अचानक से फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी आपकी, ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है मुझे। जैसे कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा रो रहे हैं अचानक से, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, किसी बिना बेसलेस टॉपिक पर भी आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पर, आप में से कई लोगों की एनर्जी चेंज हो रही है। यहाँ फुल मून आने तक आप में से कई लोगों को बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी दिख रही है आप में से कुछ लोगों की। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑन, सरेंडर टू डिवाइन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं, सरेंडर कर दीजिए अपनी सारी टेंशन को, अपने आप को बैलेंस में लेकर आइए, ठीक है। आपका जो भी हार्ड वर्क आपने करा हुआ है वो पे ऑफ होने वाला है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। लेकिन आप में से जो लोग इम्बैलेंस हो रहे हैं उन्हें सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी टेंशन को, अपने जो भी आपके इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा, अगर लोअर वाइब्रेशन में आप जा रहे हैं तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करें किसी और तरफ, किसी और चीज़ में लगाएं। सोल जर्नी से आपके लिए जो गाइडेंस आई है, पहला है फ्रीडम। I possess the power and the free will to create my own happiness. दूसरा कार्ड है यहाँ imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Third कार्ड है discipline. I can accomplish what I set my mind to. And fourth कार्ड है honesty. I can't always accept the truth from others, but I can expect it from myself. यहाँ पर ये चारों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, अपनी हैप्पीनेस अपने आप में ढूंढ रहे हैं, अपने आप को काफ़ी हायर वाइब्रेशन में रखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने अपना एक गोल सेट किया है जिस पे आप फोकस्ड हैं, अपने माइंड को कहीं भी इधर उधर आप नहीं लगा रहे हैं, आप ज़्यादातर अपने गोल पर फोकस हैं। हो सकता है समटाइम्स आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती हो, बट अचानक फिर से आप मैनेज कर ले रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके लिए ऑनेस्ट रहें। आपको खुद को पता होता है कि कौन आपके साथ ऑनेस्ट है, कौन आपके साथ नहीं है, और आप खुद के साथ कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड आया है जो आपको ये बता रहा है कि अपने माइंड में डेली बिफोर स्लीप वो चीज़ें आप इमेजिन करें जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, चाहे एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, आपका पार्टनर को लेकर आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में इमेजिन किया करिए, जैसे कि वो आपके साथ हो रहा है, आप जी रहे हैं वो लाइफ, आप बहुत हैप्पी हैं, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट करके कहा करिए थैंक यू यूनिवर्स, ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो। यूनिवर्स कभी भी लैक को नहीं भरती है। अगर आप उन्हें कहेंगे कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे दे दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो वो यूनिवर्स को लगेगा कि इसके पास नहीं है, लैक है, ठीक है। आपको लैक शो नहीं करना है, आपको हमेशा ये बताना है कि मेरे को आपने सब कुछ दिया है, आई हैव एवरीथिंग। हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना है, तब यूनिवर्स को ही लगता है कि अरे इसके पास तो ये चीज़ें सोच रहा है बट ये चीज़ें तो नहीं हैं, तो वो चीज़ें वो फुल कर देते हैं आपको, ठीक है, और एक की जगह 10 गुना देते हैं। तो इस तरह से आपको मैनिफेस्ट करना है। आप में से कई लोग पूछते हैं कि मैम मैनिफेस्ट कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बाकी मैनिफेस्टेशन की कई एक्सपीरियंस लोग जो इस फील्ड के एक्सपीरियंस्ड हैं उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आप यूट्यूब की हेल्प से मैनिफेस्टेशन सीख सकते हैं। बट मेरा जितना जो ज्ञान है, जो मैं जिस तरीके से मैनिफेस्ट करती हूँ, वो चीज़ें मैं अपने व्यूवर्स को बताती हूँ, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में इस वक्त? करंट एनर्जी फोकस्ड हैं अपने काम पर, बहुत ज़्यादा अपने बेस चक्रा को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स अपने फैमिली लाइफ और अपने फाइनेंशियल स्टेटस पर फोकस्ड हैं ऐसा लग रहा है। अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कि अच्छी बात है। एंग्जाइटी, यहाँ पर टेंशन दिख रही है इनके लाइफ में, मे बी फाइनेंशियल टेंशन हो या इनके बिजनेस में किसी तरह की टेंशन हो या इनके घर में किसी तरह की टेंशन हो। करंट एनर्जी में एंग्जाइटी में दिख रहे हैं। थिंकिंग मैन विद कॉर्नोकोपिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अपनी फैमिली इश्यूज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज़ हों। यहाँ पर द थिंकिंग मैन का कार्ड आया है जो कि यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ सीरियस हो रहे हैं आपके पार्टनर्स। मे बी आप दोनों सेपरेशन में हैं या अगर आप इन्हें अब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप में रह रहे हैं, तो यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा ये भी एक है कि क्या बात है, आखिर कहाँ रह रहे हैं आप, आपका कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ इस तरह की एनर्जी इनकी दिख रही है। इन्हें कन्फ्यूजन है कि इतने ज़्यादा बिजी आप कैसे हो गए, कहाँ चले गए। ओके, थ्रोट चक्रा, ब्रोकन हार्ट, हो सकता है कि आपसे बातचीत भी ना हो रही हो, इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इन्हें आपकी एनर्जी की ज़रूरत है बट बातचीत नहीं हो रही है। ये भी एक इनके ऊपर टेंशन है कि अब मैं बात कैसे करूँ, मैं कैसे झुक जाऊँ या मैं कैसे झुक जाऊँ। मतलब एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर्स में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ईगो बहुत ज़्यादा है। कितनी भी तकलीफ सह लें लेकिन मुँह से नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पर आप में से कुछ लोग ब्लॉक सिचुएशन में हैं या कम बातचीत हो रही है तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करके बैठ जाएं, बट सामने से बोलने की हिम्मत है तो, बट बोलेंगे नहीं, टैक्स लगेगा। थोड़ा सा ईगो, यहाँ इस कार्ड को देखिए आपके पार्टनर में कितना ईगो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। टेंशन ले लेंगे, एंग्जाइटी ले लेंगे, परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे 24 घंटे आपके बारे में, बट जेस्चर करने में इनको पता नहीं क्या जाता है, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कैसे झुक जाऊँ, वो क्यों नहीं आ रही है या वो क्यों नहीं आ रहा है, ये वाली एनर्जी है। डोर टू स्पिरिट विद डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यहाँ से दो कार्ड्स बाहर आ रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स हैं डोर टू रोमांस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस बहुत रखा है। इन्हें लग रहा है अब नहीं तब, अब नहीं तब, शायद आपकी तरफ से कोई जेस्चर हो या आप किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू इनको मैसेज भेजो या किसी भी माध्यम से कि आप बहुत मिस कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या है, आप रो नहीं रहे हो, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, ये बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं करंट एनर्जी में। किसी सिचुएशन में इनका हार्ट टूटा है, इनका दिल दुखा है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मैं क्लैरिफाई करूंगी यहाँ कुछ कार्ड्स को। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करूंगी कि प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? थिंकिंग मैन क्यों आया है? मैंने कहा ना आपको लेकर एक्शन लेना चाहते हैं, द सन का कार्ड है, फैमिली और आप, ये दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड आ रहा था, ब्रोकन हार्ट आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। मैंने पहले ही कह दिया कि एक तो बेस चक्रा, इनका फाइनेंशियल इशू और दूसरा आप, तो यहाँ पर वही चीज़ निकल कर आई है। एक तरफ इनके करियर, इनके बिजनेस, इनके सोसाइटल वैल्यूज़ और दूसरी तरफ उसमें कुछ लॉसेस हुए हैं और दूसरा यहाँ पर आप पर नज़र है इनकी। लेकिन नज़र रखेंगे, स्पाई करेंगे 24 घंटे, सोचेंगे आपके बारे में, बट मैसेज नहीं कर सकते।
इतना एटीट्यूड है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और देखते हैं कौन सा कार्ड क्लैरिफाई किया जाए। इन्हें करते हैं क्लैरिफाई। मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, उनके पार्टनर्स। मैरिज का कार्ड आ रहा था। जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। एंग्जाइटी किस चीज़ की है, क्यों आया है एंग्जाइटी का कार्ड। चॉइसेस, थर्ड पार्टी, मैसेज नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, उसका भी एंग्जाइटी है, काम का भी एंग्जाइटी। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपके पार्टनर्स को। काम का भी टेंशन है, थर्ड पार्टी का भी टेंशन है, फैमिली का टेंशन है, अगर चॉइसेस हैं या कन्फ्यूजन है उसका टेंशन है, आपसे बात नहीं हो रही है उसका टेंशन है, तो बहुत सारा टेंशन है। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। कितना पेशेंस रखते हैं देखना है हमें, कि आखिर ये कितने दिन पेशेंस रखेंगे, कब लेंगे एक्शन। प्लीज गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। बात करना चाहते हैं, मैंने आपसे कहा ना कि ये बात नहीं हो रही है इसलिए टेंशन ले रहे हैं। मैसेज का कार्ड भी आ गया, ये आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट कार्ड 9 नंबर आया है। 9 आवर्स, 9 मिनट, 9 डेज। कल मैंने जो भी रीडिंग डाली थी, कॉल मैसेज आने वाला है। आप में से कई लोगों ने लिखा है कॉल मैसेज आपको आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनको भी मैसेज कॉल आ गया है। सबके कमेंट्स पढ़े मैंने, और जिन्हें नहीं आया है उन्हें भी बहुत जल्द रिसीव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्लियरली दिख रहा है कि इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। मे बी इनके लाइफ में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इन्हें आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। आपसे बात करके इन्हें थोड़ी खुशियाँ मिलेगी, थोड़ा इनका प्रेशर कम होगा, जो भी दिमाग पे इनके टेंशन भरे पड़े हैं इन्होंने, क्योंकि यहाँ क्राउन चक्रा का कार्ड आया हुआ है। तो ये आपसे बातें करेंगे, आपके साथ थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे, तो इनके कुछ रिलैक्स होंगे। प्लस इनके अंदर कुछ गिल्ट भी है, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक करा है या आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, आपको इन्होंने हर्ट करा है, तो यहाँ पर हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर कुछ इस तरह से आपसे बात करें कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उन्हें पछतावा है। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, लेकिन आपसे पेशेंस रखने के लिए बोल सकते हैं। आपसे बात करेंगे और आपसे कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन पेशेंस रखना है। पेशेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे बात हो सकती है, ठीक है, कि सब्र रखिए, सब अच्छा होगा। कुछ इस तरह की आपको कमिटमेंट मिल सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि कमिटमेंट को दिखाता है, तो ये आपसे कमिटमेंट को लेकर कोई बात कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस यहाँ पर थोड़ा आपको रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा भी मत दिखाइएगा बातचीत में कि आप मरे पड़े थे इनके लिए, मतलब एकदम से जो होता है ना कि मतलब एक हाई आ गया तो 50 पन्ने का मैसेज भेज दिया, वो वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। जितना मैसेज आए उतना ही रिप्लाई दें, बल्कि उससे हो सके तो कम ही रिप्लाई दें। आराम से रहें, चिल आउट करें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो सामने वाला भाग जाता है। आप में से कई लोगों ने कमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि मैम कॉल मैसेज तो आ गया बट आने के बाद फिर से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो बताओ, अब ऐसे तो आपके पार्टनर्स हैं, यहाँ पर वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं, आपकी एनर्जी ले लेते हैं, और आपकी एनर्जी से जब उनकी एनर्जी फुल हो जाती है तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो इतनी ज़्यादा भी जेस्चर्स ना करो कि अगर अनब्लॉक हो गए तो लगातार मैसेजेस कर रहे हैं या उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। उन्हें छोड़ दो, रिलैक्स रहने दो, स्पेस में रहो, अपने अपने माइंड को अपने पे डाइवर्ट करो। जब उनका मैसेज आए तो ही रिप्लाई दो, ठीक है।
ये ज़रूर ध्यान रखना ताकि आपके साथ ये सिचुएशन ना हो जो कुछ लोगों के साथ हुआ कि मैसेज आ गया बट काफ़ी सारी कंप्लेंस, काफ़ी सारी शिकायतें रख दिया सामने और ब्लॉक हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलैक्स रहो जैसे अभी तक थे, अपने ऊपर डाइवर्ट रखो माइंड, पूरा कंट्रोल रखो। मैसेज यहाँ पर डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों को आएगा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के लिए वो है 9, 9 आवर्स 9 डेज। प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फॉरगिवनेस, रोमांस, रिमेन पॉजिटिव, नो नीड टू वरी, रिकवरी, वेट। यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो है कि पुरानी चीज़ों को भूल जाएं, माफ़ कर दें, पॉजिटिव रहें। आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपके लाइफ में हो सकती हैं। नो नीड टू वरी, चिंता बिल्कुल ना करें। रिकवरी, आपकी जो भी सिचुएशन है अगर अभी ख़राब है तो वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, अपने ऊपर आप वर्क कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आप में से ज़्यादातर लोगों की बातचीत आपके पार्टनर से हो जाएगी, इवन कमिटमेंट भी आपको मिलने के चांसेस हैं। देखते हैं कुछ मैसेजेस आज के लिए और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। सो रैंडमली निकालूंगी मैं, फर्स्ट कार्ड है सोलमेट, सेकंड कार्ड है हम भी बरगद के दरख्तों जैसे हैं, जहां दिल लग जाए ताम्र वहीं खड़े रहते हैं। ईगो एंड एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, अब तो आप में भी है, गुड। स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है बहुत जल्द, बल्कि आ चुकी है, यही मैनिफेस्ट करना चाहिए। इमेजिनेशन, आज सोल जर्नी से भी इमेजिनेशन आया था और मैसेज में भी इमेजिनेशन आया है। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स हो सकता है आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड करा हो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। लीडरशिप हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स पॉलिटिशियन हों, पब्लिक इमेज हों या अथॉरिटी पोजीशन पे काम करते हों, लीडर हों। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान्स, यहाँ पर अगर आप में से वो लोग भी हैं जिनको खुद एक्शन लेना है, आपके पार्टनर रेडी हैं, तो आपकी ड्रीम्स जो भी हैं उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान डिसाइड करें। दिसंबर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो। मदर इशूज़ हो सकता है, आप में से कुछ लोग मैरिड हों लेकिन मदर की वजह से या किसी कुछ मदर का इन्वॉल्वमेंट हो किसी काम में, प्रॉब्लम हुई हो मदर से थोड़ी बहुत। चीटिंग हो सकता है, आप में से कुछ लोग ट्रस्ट इश्यूज की वजह से सेपरेशन में हैं। मैरिज मटेरियल हो सकता है, आप में से ज़्यादातर लोगों को आपके पार्टनर ऐसा बोल चुके हों कि आप शादी करने लायक हैं, बिल्कुल आपके जैसी ही पार्टनर या आपके जैसा ही पार्टनर होने चाहिए। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी ताकत हैं और डेफिनेटली वो भी आपकी ताकत हैं, खाली बस अनब्लॉक भर कर दें तो आपको एक हिम्मत मिल जाती है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छे के लिए होगा और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।